wakil.com.pk। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब हैं, जो कि चांगान कारवान के ऑनर हैं, जो कि इन्होंने चांगान भावलपुर से लिए। तो व्यूअर्स, इनसे चलते हैं और इनसे जो है क्वेश्चनिंग करते हैं। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया और रिक्वेस्ट पर जो है हमारे पास ये तशरीफ़ लाए और इनसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो आपसे ये पूछना है कि आपने गाड़ी चांगान कारवान कितने की ली थी? ये मैंने जी 11,15,000 की। और उस वक्त जो है ये आपको, यानी कि आपने कोई रिव्यूज देखे थे या आपको भाई आपने लेनी थी? और नहीं, मैंने वो YouTube पे इसके रिव्यू देखे थे, फिर उसके बाद मैंने ये गाड़ी सिलेक्ट की। कितना अर्सा हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? अभी तकरीबन 1 माह हो रहा है। एक माह। इसकी रजिस्ट्रेशन कितने की आपको हुई? इसकी रजिस्ट्रेशन 45,000 की है। 45,000 की। और 1 महीने के अंदर आपने इस गाड़ी के अंदर क्या पाया, यानी कि जो आपने सोच के ली थी? यानी मुझे पहले, मैं बुलान गाड़ी चलाता था, उसमें मुझे एसी चाहिए था, इसमें वो दोनों चीज़ें मौजूद थी, इसलिए फिर मैंने ये गाड़ी ले ली। और मैं जहाँ तक खुद अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे तो बलान से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है। नहीं, उससे तो बेहतर है, ये XPV से भी बेहतर है। हाँ, XPV एज कम्पेयर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये फाल्कन में बैठा हूँ, यानी कि बड़ी हाईएस्ट। नहीं, लेकिन ये APV से इसका आप मुकाबला कर सकते हैं, गाड़ी वैसे भी अच्छी है, ये फ्यूल एवरेज भी इसकी ठीक है। सही। तो इसकी एसी की थ्रो भी बड़ी जबरदस्त है, पिछले कैबिन में भी आप देख सकते हैं। 3 है, डबल एसी लगा हुआ है इसमें, अच्छी गाड़ी है ये, कूल भी इसकी अच्छी है। और जो है आपको ये एवरेज कितनी दे रही है NCT? एवरेज अभी तक जो है ना ये 11 की दे रही है अभी। NCT 11 की दे? हाँ जी। और लॉन्ग पे? लॉन्ग पे यही दे रही है। लॉन्ग पे 11 दे रही है आपको AC के साथ? डुअल AC के साथ ये दे रही है एवरेज। अगर AC नहीं चलाए तो फिर ये 14-15 किलोमीटर दे रही है। अच्छा। और इतने पैसे आपने इसके ऊपर खर्चे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें कोई चीज़ की कमी महसूस होती है? नहीं, कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जितनी इसकी अमाउंट है उसके हिसाब से ये गाड़ी बेहतर है। अच्छा। और इसके अंदर आपका ये है कि इसमें आपके पास जो है वो मीडिया यूनिट जो है वो सिंपल दिया हुआ है। हाँ जी। और इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, ब्रेकिंग इसकी कैसी है? इसकी ब्रेकिंग भी ठीक है, लेकिन ये मीडिया दिया हुआ है ना ये वाला, अगर इसकी जगह कोई अगर टिपरी कार्ड या कोई और चीज़ दे देते दे तो वो अच्छी थी। USB आजकल जैसी है। हाँ, जो आजकल की दुनिया चल रही है USB वगैरह, तो इसमें वो चीज़ें नहीं है। और अभी तक आप इस पर लंबा सफ़र आपने कितना किया? ये जी मैंने तकरीबन 60 किलोमीटर तक, यानी खैरपुर से बावलपुर बस। विद फैमिली? हाँ जी, विद फैमिली। और क्या आपको गाड़ी का रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस भी सही है गाड़ी का, यानी कहीं आपको लगा तो नहीं गाड़ी डाउन हो रही है, लोड ज्यादा है या फैमिली ज्यादा? नहीं, ये नहीं है, गाड़ी वैसे ठीक है ये। तो आप व्यूअर जो के लेना चाहते हैं चांगान कारवान, उसके मुतालिक क्या कहेंगे, क्या वो इसको? कहूँगा भी गाड़ी अच्छी है, AC डबल लगा हुआ है, सब चीज इसमें जो आजकल की सहूलतें चाहिए वो मौजूद है इसमें। सही। अब दो पैसों में यही गाड़ी मिलेगी, APV के मुकाबले की गाड़ी है ये। अभी APV जो है तकरीबन 40 लाख के करीब है, इस तरह ही। और ये जो है 14 लाख की है अभी। सही। तो उस हिसाब से ये गाड़ी सही है, फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी है ये। इसमें दो चीज़ें की मुझे कमी महसूस हुई है, एक ABS ब्रेक नहीं है और एक एयर बैग नहीं है। हाँ, ये दो चीज़ें नहीं है इसमें, मगर इसकी बूस्टर ब्रेक भी बहुत कहते हैं पायदार है। ब्रेक अच्छी है, ABS नहीं है, तो आगे वाली तो ABS है मेरे ख्याल में। नहीं, आगे बूस्टर। हाँ, बस यही है इसकी ब्रेक, लेकिन अच्छी है ब्रेक। आगे वाली इसकी डिस्क ब्रेक है ना, पीछे ड्रम है इसके, आगे डिस्क है इसकी। सही। तो इसकी जो है वो आपको जो यानी कि टोकन जो है इसका वो लाइफ टाइम में आता है? अभी मेरा ख्याल में तो लाइफ टाइम ही है इसका। हाँ, क्योंकि 1000 CC के अंदर है, मगर FAD की वजह से जो इसका रेट बढ़ा दिए दोबारा। हाँ जी। तो इसकी कोई रीसेल का आपको आइडिया है? नहीं, रीसेल के अंदर अभी तो ये अभी 4-5 माह ही हुए इसको आए हुए, अभी तो इसकी रीसेल बनेगी ना। सही। तो आपको इसके पार्ट्स का आइडिया? पार्ट्स का भी अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी मेरे इनके ऑनर से डिस्कशन हो रही थी, वो बता रहे थे कि डॉलर की वजह से रेट बढ़ाया है, मगर पार्ट्स का नहीं बढ़ाया। ऐसे ही होगा, मुझे अभी इसका पता नहीं, अभी तो नई गाड़ी नहीं। जब चलें, अल्लाह करे आपको पार्ट्स लेने की ना ही जरूरत पड़े। और इसका ऑयल वगैरह इन्होंने कितने अरसे बाद क्या चेंज करने? नहीं, ये तो किलोमीटर पे होता है ना, ये 5,000 किलोमीटर ही होगा, और अभी तो 1,000 किलोमीटर पे चेंज करेंगे। ठीक है, रनिंग पे है गाड़ी अभी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हम डालेंगे दूसरा जी जिंक हाई फ्लो ऐसे है। सही। तो आप कंपनी का रिकमेंडेड नहीं यूज करेंगे? नहीं, बाहर का ही लेंगे हम। अच्छा, यानी कि आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा रह चुका है आफ्टर मार्केट का। हाँ जी। सही। कंफर्टेबल
कंफर्टेबिलिटी इसकी गाड़ी की आपको बुलान से तो कई इससे बेहतर है ना ये गाड़ी। अच्छा, बुलान तो इसके बराबर नहीं आ सकती ना। सस्पेंशन सिस्टम तो गाड़ी भी छोटी है, उसकी जो बॉडी है और डैशबोर्ड वगैरह ये चीजें अच्छी नहीं है ना उसकी। पास वो डब्बा है, जैसे उसका नाम वो डब्बा ही है। हाँ, वो एज 5 साल चलाया है वो, अभी भी मेरे पास है। सही। तो गर्मियों में वो सही नहीं रहता था, इसलिए फिर हमने एसी लगवाने की कोशिश की तो उसका 50,000 खर्चा था। सही। फिर ये गाड़ी देखी मैंने, फिर यही यूज कर ली बस। बुलान भी मेरा ख्याल है कोई 9-9.5 लाख की तो 10 से ऊपर है। रेट उन्होंने रिवाइज किया, रेट अभी जो इन्होंने बजट दिया है उसी हिसाब से अभी 10.5 लाख की होगी। 10.5 लाख से लेने से बेहतर है बंदा इसको गाड़ी ले ले। बड़ी गाड़ी भी है, ब्रेक्स भी अच्छी हैं, ब्रेक्स भी अच्छी है, इसमें एसी भी है, बॉडी वाइज भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है इसकी, बहुत सी चीजें हैं ना अभी इसमें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस है जो हमने कवर किए, तो इनसे वो आखिरी सवाल पूछते हैं कि ये कुछ अगर व्यूअर्स को बताना चाहे चांगान कारवान से रिलेटेड वो क्या होगा, वो ऐसी चीज जो आप अपने आने वाले दोस्तों को बताना चाहिए जो चांगान कारवान लेना चाहते हैं। नहीं, लेना चाहते हैं तो ले लें, गाड़ी अच्छी है, एक्सपीवी से भी अच्छी है। सही। क्योंकि मैं पहले भी चलाता हूँ उन सब गाड़ियों से, इतनी अमाउंट में जैसे ये इसके 14 लाख है उसमें ये गाड़ी अच्छी है। और सुना है प्रिंस का जो है वो अभी एक गाड़ी वो लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल लॉन्च की है उसकी 19 लाख समथिंग प्राइस की है, वो सेम एज इट इज यही है। यानी होगी वो अभी जब आएगी मार्केट में तो पता चलेगा ना। जी जी बिल्कुल। और एज पर पर्सनल जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के अंदर बैठ के सफर करते हुए, वो वाकई मुझे किसी जो है वो हाई लग्जरी हाइएस्ट से जो है वो उसका सेम रिजेंबलेंस ही मज़ा दे रहा है। इसकी जो कुशनिंग है और जो इसकी ड्राइव है, जो इसका एसी की थ्रू है, आप गर्मी का आलम देख सकते हैं इस गाड़ी को, कहीं भी जो है वो विंडशील्ड या ब्लैक पेपर्स नहीं लगे हुए, मगर उसके बावजूद भी इसकी एसी की कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। पीछे हमारे टीम मेम्बर्स बैठे उनसे पूछते हैं एसी की कूलिंग अमजद भाई आपको कैसे महसूस हो रही है? एसी की कूलिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, इसका रेयर एसी जो है वो बहुत आउट क्लास है, और इसकी कूलिंग जैसे आप इनके वेंट देख रहे हैं, 4 वेंट दिए हैं, इन्होंने बैक सर्वे लो और हाई की यहाँ इन्होंने ऑप्शन दी हुई है। लेकिन कंपेयर टू हम अगर कहें कि दूसरी गाड़ियों के हवाले से, उसकी निस्बत बहुत अच्छी कूलिंग है, तो हम यहाँ बैठे हुए ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। लेग स्पेस भी और कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी दी हुई है माशाल्लाह। मेरे हाइट के हिसाब से 5'6" मेरी हाइट है, उस हिसाब से मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ इसमें बैठे हुए। तो व्यूअर्स, ये था चांगान कारवान का ऑनर रिव्यू। उम्मीद करते हैं पसंद आया तो पार्क डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।